और जब तक मेरी जिंदगी है मैं अपने भाई की शहादत की लड़ाई लड़ूंगा, और ताकि जो जिन जालिमों ने मेरे भाई को शहीद किया है, कत्ल किया है, उसको जरूर और जरूर अंजाम तक पहुंचाऊं। देश में लोकतंत्र है, मतलब इंसाफ की एक तरह से बात करते हैं, प्रधानमंत्री भी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, और आपके साथ जिस तरीके का जुल्म हुआ, अगर प्रधानमंत्री जी आपकी बात सुन रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको तो यही कहूँगा कि आप जो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं तो ये कहाँ दिखाई दे रहा है? आपकी सरकार जहाँ ये हमला हुआ वहाँ भी आपकी सरकार थी। अगर आप चाहते तो इन हमलों को रोक सकते थे, लेकिन आप तो और चाहते हैं कि इस तरीके की घटना घटे ताकि हम और सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा दिन जमे रहें। तो आपके हिसाब से धार्मिक दंगे नहीं थे, राजनीतिक दंगे? जी बिल्कुल, ये राजनीतिक दंगे। हरियाणा सरकार से वैसे क्या मांग होती है? मैं हरियाणा सरकार से अपील करूँगा कि मेरा जो जितना मुआवजा बनता है पूरा मुआवजा मुझे चाहिए, और मेरे भाई को जिन लोगों ने शहीद किया है, कत्ल किया है, उन लोग को फांसी की सजा होनी चाहिए। निवासी आप बिहार के हैं जी, तो नीतीश कुमार भी बहुत सैकड़ों नेता बनते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनका अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया, न तेजस्वी यादव का ट्वीट आया है, न हमारे कोई मंत्री जो मिनिस्टर है उनका कोई ट्वीट आया है। हालांकि उनको पता तो होगा, इतना दिन हो गया, उनको हमारे लिए मुआवजे का ऐलान करना चाहिए, और मैं उनसे अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि मुझे मुआवजा चाहिए और मेरे मुझे नौकरी चाहिए। दंगाइयों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दंगा तो करते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन लोगों की मासूम लोगों की हत्या हो जाती है। मैं उस दंगाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरा भाई शहीद हो गया, इंशाल्लाह कल उसकी भी बारी आने वाली है, तो सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। जब जुल्म होता है तो जुल्म, जब जुल्म जुल्म है एक दिन, जब जुल्म बढ़ता है तो रुक जाता है। आपने देखा, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि फिरौन भी था, वो जुल्म करता था, तो क्या कहेंगे इस तरह जुल्म जाती है? जी बिल्कुल, जालिम की एक उम्र होती है और उस उम्र पे जाकर वो खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद इंसाफ का सिलसिला शुरू होता है वो सबके साथ। आज वो जुल्म कर रहे हैं तो कल उनकी भी बारी है। चलिए बहुत शुक्रिया। नफ्सियाती तौर पे कितना मजबूत करते? मैं इंशाल्लाह मैं पूरी तरीके से मजबूत हूँ और मैं इस लड़ाई को पूरी तरीके से लड़ूंगा। बिल्कुल, हम दोनों भाई थे और हमारा लंबा परिवार है, 7 भाई बहन है, माँ बाप है, हम दोनों भाई थे और जो घर को चला रहे थे, सारे बहनों की शादी करना, देख रेख करना, सबका दवा इलाज करना, हम दोनों भाई चलाते थे, देखते थे। और आज हालत ये है कि मेरा भाई भी इस दुनिया में नहीं है और मैं भी बेरोजगार हूँ। ऐसा वो नहीं था कि ये लोग मस्जिद घुस करके आ जाएंगे, क्योंकि पुलिस वहाँ मौजूद थी और मस्जिद में आने का एक ही रास्ता है। पुलिस चाहती तो उन लोग को रोक सकती थी, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर उनको अंदर आने दिया। जी पुलिस सुरक्षा में वहाँ खड़ी थी और कई गाड़ियाँ पुलिस के सामने ये हुआ। जी पुलिस के सामने, पुलिस चाहती तो बचा सकती। जो ये तो जिसके ऊपर हादसा होता है, जिसके साथ होता है, वही समझ सकता है कि कोई दूसरा इंसान तो इसको समझ ही नहीं सकता। जिसके साथ होता है वही फील कर सकता है कि उसके साथ क्या गुजरता है। आप दोबारा गए उस जगह पर? मैं अभी तक 8 दिन हो गए हैं आज, मैं अभी तक दोबारा उस जगह पर नहीं गया। वहाँ से कोई फोन वगैरह आ रहा? वहाँ के फोन लोगों का आ रहा है, एक बात लोगों का फोन आया कि हम लोग लगे हुए हैं और पुलिस, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। आप कहाँ रहते थे वैसे? मैं वहाँ से 1 किलोमीटर दूर रहता था। आप दोबारा वहाँ जा नहीं रहे? वहाँ तो अब खुद मेरी जान को खतरा हो गया है। हॉस्पिटल से फोन आया था कि आप हॉस्पिटल आए, आपके भाई के ऊपर हमला हुआ। आपके भाई बहुत बेहतरीन नजम गा रहे थे हिंदू मुस्लिम के जोड़ने के लिए, मतलब देशभक्ति वाला, वो बहुत ही अच्छा एक तरह से नजमकार थे। क्या कहेंगे, कितना मिस करेंगे उनका? एक बिल्कुल, वो तो पूरी जिंदगी मुझे याद आता रहेगा और याद आ रहेगा हमेशा। और ये सोचना चाहिए कि जो इंसान, जिस इंसान की इस तरह की सोच थी, जिसने ऐसा मैसेज दिया लोगों को, उसी के साथ क्या मैसेज दिए थे क्या? कि उन्होंने जो नज़्म पढ़ी, मुझे भी याद नहीं आ रही है, उसके साथ इस तरीके से लोग दरिंदगी और उनको कत्ल करते हैं। मैं यही कहूँगा कि समाज में जो ऐसे नफरती लोग हैं, उन लोगों को चुन चुन कर करके पुलिस और वहाँ सरकार उन लोगों को अरेस्ट करे और उनको अंजाम तक पहुँचाए। ताकि आज मेरे भाई के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो जाएगा अगर लगाम। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा जो पूरा हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर ये सब हो रहा है, क्या मुस्लिम होने की वजह से आपके भाई को निशाना बनाया गया? जी जी बिल्कुल, ये तो वाजह है कि सारी दुनिया देख रही है कि ये मुस्लिम और कमज़ोर होने की वजह से उनको इस तरीके का। अच्छा, जो सिर्फ मुस्लिमों के साथ नहीं बल्कि जो गैर मुस्लिमों में भी जो कमज़ोर लोग हैं, जैसे आदिवासी के लोग हैं, दलित हैं, उनके साथ इसी तरीके से ये तुम्हारा बराबर हो रहा है। लेकिन पूरा जो हिंसा हुई, जो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार तो पूरी तरीके से वो मोनू माने सर और बिट्टू बजरंगी है, क्योंकि उकसाया जी, जिन्होंने उकसाया और जिसकी वजह उकसाने की वजह से पहले नूह में दंगा हुआ, फिर वो दंगा पहुंचते पहुंचते गुरुग्राम पहुंचा और वो उस भेड़ ने मेरे भाई। कुछ लोग हैं जो हमारे मुल्क में मुसलमानों को इस देश से निकालना चाहते हैं,
हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मुसलमानों ने ही इस देश की आज़ादी में सबसे पहला कदम रखा था। उनको पता तो है, लेकिन उनके जो और लोग हैं वो उनको बताते नहीं है सही जी, उनके जो आका लोग हैं उनको सही बात नहीं बताते, गलत तारीख बता करके गलत मैसेज देते हैं और नफरत फैलाते हैं।